हेलो गाइस, पहले वीडियोस में आप लोगों को रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट समझाने के बाद मैंने आपसे कहा था कि सेकंड एक्सरसाइज के कॉन्सेप्ट आप उसमें कर सकते हो। आज मैं आपको, जब आपको जीरोस गिवन है किसी पॉलिनोमियल के और उसको अदर जीरोस निकालने हैं तो उसके बारे में बताऊँगा। और ये क्वेश्चन हमने 9th क्लास में किया हुआ, हिट एंड ट्रायल, सेम वही क्वेश्चन है। वहाँ हमको जीरोस पहले फाइंड आउट करने होते थे, लेकिन यहाँ हमको जीरोस ऑलरेडी दे रखे हैं। अब जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जांपल नंबर 9 पेज 35 से है, एफ एक्स एक पॉलिनोमियल है जो कि बाय क्वाड्रेटिक है, और आप देख रहे हैं उस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आपको गिवेन है, और मैंने बताया आपको डिग्री 4 दे रखी है, तो एटमोस्ट जीरो भी 4 होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 4 जीरो हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है 4 हों, उससे कम भी हो सकते हैं। तो दो जीरोस उन्होंने यहाँ दिए हुए हैं, एक जीरो दे रखा है अंडर रूट 2 और दूसरा जीरो दे रखा है माइनस अंडर रूट 2। हमको बचे हुए इसके दो जीरोस निकालने हैं। अब आपको मालूम है एक जीरो अंडर रूट 2 है और दूसरा जीरो माइनस अंडर रूट 2 है, तो हम इसके फैक्टर्स इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं। देयरफॉर फैक्टर्स आर एक्स माइनस अंडर रूट 2 और एक्स प्लस अंडर रूट 2। एक्स माइनस अंडर रूट 2 एंड एक्स प्लस अंडर रूट 2, तो मैं अगर इसमें ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ तो आपको मालूम है ए माइनस बी और ए प्लस बी जो रिज़ल्ट है वो हमको क्या देगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इससे रिज़ल्ट क्या मिला हमको कि देयरफॉर जो फैक्टर्स आपके निकल के आए वो क्या निकल के आएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब इस बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर ये आ चुका है। अब फैक्टर थ्योरम से अगर आप इस पॉलिनोमियल से इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 से हम क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल में डिवाइड करेंगे। पॉलिनोमियल है आपका 2x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। देखिए 2x की पावर 4 को एलिमिनेट करने के लिए हमें एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करना है, 2x स्क्वायर से। तो ये कितना हो गया, 2x की पावर 4, फिर यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर आएगा। आपको प्लस माइनस करने में दिक्कत ना हो मैंने इसलिए लाइक टर्म्स के नीचे उसको लिख दिया है। सब्ट्रैक्ट करने पे साइन चेंज होते हैं तो ये वैल्यू से कैंसिल आउट हो गई, ये बचा माइनस का 3x क्यूब, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो बचा प्लस का x स्क्वायर, फिर प्लस का कितना बचा 6x एंड माइनस 2। अब माइनस का 3x क्यूब मेरे को एलिमिनेट करना है तो मैंने क्या किया, इसमें माइनस 3x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा माइनस का 3x क्यूब, फिर माइनस 3x का इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका प्लस 6x। सब्ट्रैक्ट करने पे फिर से साइन चेंज हो गए, ये वैल्यू कट गई, रिमाइंडर कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 ऑप्टेंड करने के लिए मैंने क्या किया, प्लस से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका प्लस से, मैं जब वन टाइम लूँगा इसको मल्टीप्लाई कराऊँगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो ये माइनस ये प्लस, ये रिमाइंडर कट गए और रिजल्ट कितना आ गया, 0। राइट, अब मुझे मालूम पड़ गया कि इस पॉलिनोमियल से क्वाड्रेटिक से बाय क्वाड्रेटिक में डिवाइड करने के बाद मेरे को ये रिजल्ट आ रहा है, तो डिवीजन एल्गोरिथम से डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो मुझे मालूम है डिवाइजर कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, कोशेंट कितना है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, और रिमाइंडर तो हमारा 0 है ही। इसके फैक्टर्स तो ये ऑलरेडी हैं, फैक्टर्स हैं तो जीरोज हमको मिल गए। अब हमें करना क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के फैक्टर करने हैं। तो 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 के फैक्टर आपने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करने हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट पता ही है, आपने 2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो 2 आया, 2 के ऐसे फैक्टर जिनको ऐड और उनका डिफरेंस निकालने पर कितना आना चाहिए, x का कोफिशिएंट माइनस 3।
तो ये हो गया 2x² माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 1, दो दो के हमने ग्रुप्स बना लिए। जब हमने पहले ग्रुप में से 2x कॉमन लिया तो रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी रिमाइंडर बचा x माइनस 1, दूसरे में माइनस 1 कॉमन लिया तो रिमाइंडर कितना बचा x माइनस 1। इस तरीके से हमारे पास x माइनस 1 और 2x माइनस 1 दो फैक्टर और मिल गए। अब आपके पास दो फैक्टर मिल चुके हैं, तब आप इंडिविजुअली इनको जीरो से कंपेयर कराएंगे तो देयरफोर यहाँ पर x की वैल्यू 1 आएगी और x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। तो इस तरीके से आपको इसके दो जीरोस और मिल चुके हैं। तो पहले दो जीरोस थे √2 माइनस √2, नए जीरो जो मिले 1 और ये कितना हो गया 1/2। तो इस तरीके से आपको चार जीरोस यहाँ मिल चुके हैं। मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया है इस क्वेश्चन को, अब आप दोबारा से खुद से करने की कोशिश करेंगे और इसके बाद आप ऑप्शनल एक्सरसाइज का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करेंगे और इसका सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे रहा हूँ। थैंक यू।